हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, आज हम मिसलेनियस स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हमने 6 चैप्टर का मिसलेनियस डिस्कस किया, 7th का किया, 13th का किया, और आज किसका नंबर है? चैप्टर नंबर 3। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 cos 5π/13। तो एक काम करें, देखो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, 2 cos A cos B। फॉर्मूला होता क्या है? cos A+B + cos A-B। तो अगर फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो जाएगा? cos π/13 + 9π/13 इसको भी एसटी छोड़ देते हैं, 3π/13 cos 5π/13। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10π/13। ठीक है, यहाँ बच्चों कितना आएगा? cos ये आ जाएगा -8π/13 cos 3π/13 cos 5π/13 cos 10π/13 cos-θ क्या होता है? cos-θ पॉजिटिव हो जाएगा वो, तो cos, आप इसे नॉर्मल ब्रैकेट ऐसे सिंपल रख दो, cos 3π/13 cos 5π/13। अब देखो यहां पर समझना, cos A cos B कहीं बात बन सकती है? cos A cos B, देखो मैं इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ, cos A + cos B, यहाँ पे क्या लगने वाला है? cos A + cos B। तो cos A + cos B का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos A + B/2, तो 10π/13 प्लस 8π/13 डिवाइड बाय 2 cos A - B अपॉन में 2। यहाँ चेक करो, cos 2 cos 3π और 5π, डायरेक्ट लिख दो 8π, ठीक है, और अपॉन में 2 cos 3π - 5π गया -2π/13 डिवाइड बाय 2। एक स्टेप और देखो, 2 cos ये कितना हो जाएगा? 18π/13, तो 18π/13 इंटू में 1/2, ये कटेगा कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, और यहाँ पर देखो cos 2π/13 इंटू में 1/2, 2 cos 6 ये हो जाएगा 8π/26, और ये cos 2π/26, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, कोई डाउट यहाँ तक? इसे नोट करो, करो यहाँ पर कट के क्या आ जाएगा? 1/13, यहाँ भी क्या 1/13, तो 2 cos π/13 यहाँ भी है, 2 cos π/13 कॉमन ले लो, तो 2 cos π/13 यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा? cos 9π/13 प्लस यहाँ बचेगा कट के 4/13, तो cos 4π/13 2 cos π/13 cos A + cos B फॉर्मूला क्या लिखा था? cos A + cos B का 2 cos A + B, तो 9 + 4 13π/13 अपॉन में 2, फिर cos A - B, तो 9 - 4 के बेटा 5π/13/2, 13 से 13 कैंसिल, 2 cos π/13 2 2 = 4, डायरेक्ट 4 लिख दो इस जगह, और ये क्या बचेगा? cos π/2 और cos 5π/26। एक बार बताओ cos 90 वैल्यू क्या होती है, चेक करो। हाँ जी, cos 90 0, cos 90 कितना होता है? 0। अब एक बार बताओ, इस पूरे को मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आंसर आ जाएगा? और यही तो मुझे चाहिए था, चेक कर लो,
कॉपी करो इसे। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का LHS में लिख कॉपी किया है यहाँ पर, साइन 3x प्लस साइन x ब्रैकेट के बाद साइन x प्लस कॉस 3x माइनस कॉस x फिर ब्रैकेट के लिखा होता है कॉस x, बहुत सिंपल है। और क्या प्रूफ करना है आपको चेक करो, कॉस आपको प्रूफ करना है जीरो, क्या आना चाहिए यहाँ पर जीरो। अब देखो जीरो कैसे आएगा समझते हैं, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है देखो, टू साइन ए प्लस बी तो 3x प्लस x अपॉन में 2, तो फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2, कोई डाउट आता है? ब्रैकेट बंद, साइन x प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस 2 साइन ए प्लस बी 3x प्लस x अपॉन में 2 साइन ए माइनस बी ब्रैकेट बंद, फिर बाहर क्या लिखा है कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ चेक करो क्या बचेगा, टू देखो थ्री और एक्स प्लस वन एक्स फोर एक्स, फोर एक्स बाय टू टू एक्स, ठीक है थ्री में से बन गया टू एक्स, टू एक्स बाय टू एक्स माइनस टू साइन थ्री प्लस वन फोर एक्स डिवाइड बाय टू टू एक्स, मैंने एक दो स्टेप काट इसमें कट कर रहा हूँ, देखो थ्री में से बन गया टू एक्स, टू एक्स को टू से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा बेटा एक्स आएगा, चेक कर लो यहाँ पे क्या लिखूँ कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस। अब देखो टू साइन, टू साइन टू एक्स यहाँ भी है और टू साइन टू एक्स यहाँ भी है, हाँ है ना, और साइन एक्स यहाँ भी है और साइन एक्स यहाँ भी है। एक काम कर लो थोड़ा सिंपल है, मैं लिख लो टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू, मैंने इसको पूरा मल्टीप्लाई में इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू एक्स, चेक करो क्या जीरो नहीं आएगा, अरे पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो जो चीज़ यहाँ लिखी है टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू एक्स, यहाँ चेक करो टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू एक्स, क्या सेम नहीं है, और जब इसमें से इसे कैंसिल कर देंगे माइनस कर देंगे क्या बचेगा जीरो। इसे नोट करो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। और क्या प्रूफ करना है मुझे बताओ उसके बारे में, क्या प्रूफ करना है, फोर मैं साइड में लिख देता हूँ फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। अब मुझे ये LHS गिवन है वो RHS गिवन है, मुझे ये आंसर लेके आना है, समझ में आया। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो जो आप 9 से पढ़ते आए हो 8 से पढ़ते हो समझना, कोई बात आपको यहाँ फील करनी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, वेरी गुड। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो मैं उन्हीं बातों को यहाँ देखो यहाँ लॉजिक लगाऊंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी, यस या नो, ठीक है क्या बेटा फॉर्मूला यहाँ नहीं ले सकता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी, यहाँ पे क्या है माइनस है तो टू साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स मतलब क्या बनेगा वन, ऐसे ही कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई मतलब क्या बन जाएगा वन, यहाँ और वहाँ मैं टू कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा अंदर, कॉमन ले लिया मैंने तो बचेगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, वन प्लस वन टू। अब देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये गारंटी होती है कॉस ए प्लस बी की, ठीक है। तो वो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आया और प्लस होता है यहाँ पर माइनस आता, तो कॉस एक्स प्लस वाई टू प्लस टू, देखो कॉस एक्स ये फॉर्मूला आपने और सीखा था कॉस टू ए का टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, यहाँ ध्यान दो देखो यहाँ पर टू ए तो यहाँ पर क्या हो गया ए एंगल हाफ हो गया,
तो यहाँ पर 2 है तो वहाँ पर a, तो यहाँ पर मेरे पास x प्लस वाई है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, एंगल हाफ हो जाएगा माइनस 1, 2 का 2 रहेगा प्लस 2 जा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, 2 बन जा 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, चेक कर लो कि आर एच एस ये नहीं है, कोई डाउट किसी के मन में, इसे कॉपी करूं। फोर्थ है बिल्कुल सेम थर्ड की तरह ही है, थर्ड में भी क्या था a प्लस बी का होल स्क्वायर था, a प्लस बी का होल स्क्वायर था a माइनस बी का, बट यहाँ पे क्या दोनों तरफ a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सेम इसे भी ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कोई डाउट यहां तक, देखो चेक करो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा 1, यहां क्या बनेगा 1, अब अगर मैं काम करूं माइनस 2 से कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा अंदर कॉस ए कॉस बी, और माइनस बाहर ले लूंगा तो अंदर कैसा हो जाएगा पॉजिटिव साइन ए साइन बी, ठीक है ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहां पे बस एक्स वाई यूज हो रहा है तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, और देखो 2 यहां से ही बाहर आया और 2 यहां से ही बाहर आ गया, तो माइनस बाहर आया तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव और नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव बन गया, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 हो गया, यहां लिख दिया माइनस 2 ब्रैकेट में है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला याद करो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दो मैंने अभी बताया था वो यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों माइनस, क्या आ जाएगा, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहां पर कॉस एक्स माइनस वाई 2 माइनस 2 कॉस एक्स माइनस वाई क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2, चेक करो कॉस 2a के चार फॉर्मूले थे, क्या ये नहीं था एक फॉर्मूला, तो देखो यहां पर चेक करो 2a का क्या हो गया यहां पर a, एंगल हाफ हो जाता है, अगर यहां मेरा 2a है तो यहां पर a, तो अगर मेरे पास यहां x माइनस वाई है तो यहां पर क्या हो जाएगा x माइनस वाई बाई 2, 2 माइनस 2 बन जा 2 माइनस माइनस 2 टू जा 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2, चेक करो ये नहीं प्रूफ करना था RHS, जो नोट करो क्वेश्चन नंबर 5th में साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x RHS है, और क्या प्रूफ करना है आपको 4 cos x cos 2x sin 4x, एक बात फील करो क्या मैं इन दोनों फॉर्मूला लगा सकता हूँ, पेयर बना दी मैंने, ठीक है साइन a प्लस साइन b, देखो साइन a प्लस साइन b फॉर्मूला क्या होता है इसका 2 साइन a प्लस b अपॉन b 2, फिर cos आएगा फिर a माइनस b अपॉन b 2, तो वही बात यहां लगाओ 2 का 2 साइन a प्लस b तो x प्लस 3x अपॉन में 2 cos x माइनस 3x अपॉन में 2, सेम फॉर्मूला यहां पुट कर दिया तो 2 साइन 5x प्लस 7x बाय 2 5x माइनस 7x अपॉन में 2, टू साइन 3x प्लस x 4x, तो 4x बाय 2 करेंगे कितना आएगा 2x, 3 में से बन गया 2, क्या आएगा नेगेटिव का, फिर 3 बड़ी संख्या तो माइनस 2 अपॉन में 2 माइनस x, 2 साइन 5 और 7 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6x, 7 में से 5 गया 2 माइनस 2 अपॉन में 2 माइनस 2x अपॉन में 2 करेंगे तो माइनस x आ जाएगा, 2 साइन 2x कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स, 2 साइन 6x कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स, अब एक बताओ कुछ कॉमन दिख रहा है यहां पर,
टू कॉस एक्स यहाँ भी है और टू कॉस एक्स यहाँ भी है, तो टू कॉस एक्स बाहर ले जाओ। तो चेक करो, कॉस एक्स तो मिल गया और टू भी मिल गया मुझे, अंदर क्या रह जाएगा, साइन टू एक्स प्लस साइन सिक्स एक्स। क्या मैं दोबारा फॉर्मूला लगा दूँ इस जगह साइन ए प्लस साइन बी का, तो टू साइन ए प्लस बी, तो टू प्लस सिक्स एट डिवाइड बाई टू फोर, ठीक है। कॉस ए माइनस बी, तो टू एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स बाय टू करेंगे कितना आएगा, माइनस टू एक्स। यहां ध्यान दो, टू कॉस एक्स और टू टू जा फोर, डायरेक्ट फोर लिख दो, कॉस टू कॉस एक्स साइन फोर एक्स, कॉस माइनस टू एक्स क्या हो जाएगा, कॉस टू एक्स। चेक करो, ये नहीं था, फोर मिल गया, कॉस एक्स मिल गया, कॉस टू एक्स वो भी मिल गया और साइन फोर एक्स मिल गया। इज इक्वल टू में क्या लिख दूंगा मैं, आर एच एस। कोई डाउट किसी मन में, इसे नोट करो।